अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के साथ मुकमुका न किया जाए तो वो असेसमेंट इतनी ज्यादा कर देता है जो असल इनकम टैक्स से बहुत ज्यादा होती है, तो मजबूरन मुकमुका करना पड़ता है जो वकील करवाता है। तीनों के मुतालिक वजाहत फरमाएं, कितने कितने मुजरिम हैं, महकमा, इनकम टैक्स देने वाला, वकील, तीनों ही मुजरिम है। सबसे बड़ा मुजरिम इनकम टैक्स देने वाला, इसलिए कि वो इस कदर बुजदिल है कि उसकी वजह से पूरे मुआशरे में रिश्वत का निजाम चल रहा है। कभी कभी जुल्म होता है तो जुल्म सह लें, इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ता है तो दे दें, लेकिन सवाल यह है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या ऑफिसर हो, वो इस कदर बेखौफ क्यों है? उसको यानी ये ऐसे ही है जैसे कि डाकू को कोई खतरा नहीं, चोर को कोई खतरा नहीं, मालिक को खतरा, बिल्कुल यही सूरत हाल हो गई। तो वो बेखौफ क्यों है? उसको क्यों इस बात का डर नहीं है कि आप जो रिश्वत दे रहे हैं उसको, कभी रिश्वत देते दे तो उसको पकड़वा भी देंगे? वो इतना आपकी ईमानदारी से मुतमईन क्यों है कि आप रिश्वत देने वाले इतने पक्के रिश्वत देने वाले हैं, इतने वफादार रिश्वत देने वाले हैं कि आप कभी नहीं पकड़वाएंगे उसको, आप कभी उस पर छापा भी नहीं मरवाएंगे? वो इतना इत्मीनान आप पे क्यों रखता है? इसलिए सबसे बड़े मुजरिम आप खुद हैं, महकमा भी है, बाकी लोग भी हैं, लेकिन असल मुजरिम रिश्वत देने वाला। और यही बात मैंने पहले भी कही कि ये शरीफ आदमी जो खामोशी से शराफत से रिश्वत दे देता है, ये भेड़, ये ज़िबा होने के लायक। मैं एक जुमला कहा करता हूं अपनी बेटियों को, जब मैं निकाह कर देता हूं और रुख्सत करने लगता हूं तो एक जुमला मैं कान में कह देता हूं कि बेटी, जुल्म करना बहुत बड़ा जुल्म है, किसी पे कभी कोई ज्यादती नहीं करनी, और जुल्म सहना उससे बड़ा जुल्म है, कभी जुल्म सहना भी नहीं। जुल्म सहने वाला असल में जालिम को जालिम बना देता है। अगर जुल्म सहने वाला सामने में अड़ जाए तो जालिम की ऐसी तैसी हो जाती है।